नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। शिमला जाकू टेंपल एस्केलेटर मुफ्त सेवा होगी खत्म, देना होगा शुल्क, 15 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। जाकू में बने एस्केलेटर के सफर का लुत्फ उठाने के लिए अब लोगों को किराया अदा करना होगा। इसको लेकर रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। एस्केलेटर का प्रति व्यक्ति 20 रुपए शुल्क निर्धारित करने का फैसला लिया है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसको मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से एस्केलेटर में आवाजाही करने वाले लोगों से इसका किराया वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। पटवारी कानूनगो को सरकार की चेतावनी, 2 दिन में काम पर नहीं लौटे तो होंगे सस्पेंड। पटवारी कानूनगो कैडर को स्टेट कैडर का विरोध कर रहे पटवारी कानूनगो ने अतिरिक्त दायित्व की चाबियां वीरवार को संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है। इसके अलावा पटवारी कानूनगो की तरफ से ऑनलाइन काम बंद करने से राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हुआ है, जिससे आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच राज्य सरकार ने कड़ा निर्णय लेते हुए 2 दिन के भीतर पटवारी कानूनगो को व्यवस्था सामान्य बनाने के आदेश दिए है, अन्यथा उनको निलंबित किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओमकार शर्मा की तरफ से इस बारे में सभी डीसी को पत्र जारी करके आगामी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के अनुसार पटवारी कानूनगो के इस व्यवहार को नियमों की उल्लंघना बताया है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। सभी डीसी को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले पटवारी कानूनगो को ऑनलाइन कार्य को तुरंत शुरू करने की हिदायत दी है। इसके अलावा उनको आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से शामिल होने को कहा गया है। यदि 2 दिनों के भीतर वे इन निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, यानी उनके काम नहीं करने की अवधि को सरकारी सेवा में ब्रेक माना जाएगा और उन्हें निलंबित किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, शिक्षकों के तवालों पर रोक, 460 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तवालों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा, 20 सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 99 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल है। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे करीब 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य भी बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया है। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के सहयोग से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। शराब की ओवरचार्जिंग पर जुर्माना। राज्य में वर्तमान में शराब MSP पर बेची जा रही है, लेकिन सरकार के पास शराब की ओवरचार्जिंग को लेकर कई शिकायतें पहुंची है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि यदि शराब ठेका संचालक ओवरचार्जिंग करेगा तो पहली बार 15,000, दूसरी बार 25,000, तीसरी बार 50,000, चौथी बार ओवरचार्जिंग पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। 5वीं बार शिकायत मिलने पर ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द होगा। विधानसभा के मानसून सत्र की तिथियां तय। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की है। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होगी। मानसून सत्र में पहली बार इतनी बैठकें होगी।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी है। मंडी मध्यस्थता योजना में फलों की खरीद का मूल्य तय। बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2024 तक और आम की खरीद प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की जाएगी। देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय। मंत्रिमंडल ने देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। पुलिस चौकी डाडासिबा को SDPO देहरा और मजीन को SDPO ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन स्थापित की जाएगी, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के 6-6 पद सृजित कर उन्हें भरा जाएगा। पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को SDPO ज्वालामुखी से SDPO देहरा को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में SDPO कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को अपनी मंजूरी दी है। जिला चंबा में नए स्थापित किए गए SDPO कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद और नए पुलिस स्टेशन सिंधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए SDPO कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मानकीकरण के लिए 31 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोकमान विभाग का ब्रेथ खोलने, ज्वालामुखी में लोकमान विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपरों को 1 अगस्त 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने 3 मंत्रिमंडलीय उप समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। मध्यस्थ और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे। राष्ट्र मंत्री जग सिंह नेगी और लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी होंगे। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। ये उप समिति HPSEBL के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे। ये उप समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। वेदर अपडेट, हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, आगामी 6 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने आगामी 6 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। वहीं प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जगह हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने कहा कि बारिश का ये दौर 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से इस दौरान पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। शिमला में वीरवार को हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह पर भूस्खलन होने से यातायात बाधित रहा। हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक के छात्र करेंगे फर्स्ट एड। स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्य रेडक्रॉस समिति के अध्यक्ष कर्नल धनीराम सांडिल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। सांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार स्कूली छात्र रेडक्रॉस में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
वे जूनियर रेडक्रॉस के तहत शामिल किए जाएंगे तथा उन्हें विशेष तौर पर प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज व यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी यूथ रेडक्रॉस के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सैलानियों से वसूला जाए टैक्स। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक आदेश जारी किया है। न्यायाधीश लोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने कहा है कि सिक्किम और भूटान की तर्ज पर हिमाचल में आने वाले सैलानियों को पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिमाचल में आने वाले सैलानियों की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखे जाए ताकि सैलानी इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डाले। डिपो में अब राशन मिलने में नहीं होगी देरी, सर्वर की परेशानी से निपटने के लिए विभाग ने उठाया बड़ा कदम। सस्ते राशन के डिपो में अब सर्वर ठप रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी और डिपो संचालकों का सर्वर लगातार चलता रहेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब सर्वर का कार्य दो कंपनियों को सौंप दिया है। इसमें यदि तकनीकी खराबी के कारण एक सर्वर डाउन हो जाता है तो पोस मशीनों में सर्वर ऑटोमेटिक दूसरी कंपनी के सर्वर पर रूट बदल लेगा जिससे सर्वर चलता रहेगा और डिपो संचालक बिना किसी रुकावट से उपभोक्ताओं को राशन दे सकेंगे। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला, जल शक्ति महकमे में 116 समेत विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 419 पद। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से बार्क इंस्पेक्टर के 116 पदों समेत विभिन्न विभागों में 419 पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में लोकमान विभाग में जूनियर तकनीशियन यानी बार्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरने का फैसला हुआ है। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री से मिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदीप गुट, जेसीसी जल्द बुलाने की रखी मांग। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रदीप गुट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक बुलाने की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगें उठाई गई। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव वर्ष शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने महासंघ की मांगों को सुना और पूरा करने का आश्वासन दिया है। मनाली के सरई नाला में बादल फटा, तीन मकान पे मनाली ले मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोरंग नाला से सटे सरई नाले में बुधवार मध्य रात ही बादल फटने से आई बाढ़ में पलचान में तीन मकान बह गए हैं। एक मकान और महिला मंडल भवन को भी नुकसान पहुंचा है। नाले में भी भारी मात्रा में पानी के साथ आए मलबे से ब्यास नदी तट पर बने बिजली प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से मनाली ले सड़क भी बंद हो गई है। बाढ़ की घटना में किसी के भी आहत होने की खबर नहीं है। बाढ़ से पहले नाले में हुई जोरदार धमाके की आवाज सुनकर तीन मकानों में रह रहे 13 लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।